हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। देखिए आज कड़ी पत्ता पे बात करते हैं और इसे मीठा नीम भी बोलते हैं। और इस पे देखिए आपके यहाँ सीट अगर कड़ी पत्ता होगा तो ये सीट पोट ज़रूर बने होंगे, क्योंकि मेरे यहाँ इतने छोटे छोटे प्लांट पे ही बन गए हैं। और देखिए इसको दो तरीके से प्रोपगेट करते हैं, पहले तो उस पर इसको कटिंग के थ्रू करते हैं, दूसरा इसको ये आप जो देख रहे हो सीट पॉट इनसे ग्रो करते हैं। अभी ये थोड़े कच्चे हैं, ये पक जाएंगे तो थोड़ा ब्राउन हो जाएंगे और अपने आप झड़ने भी लगेंगे। तो झड़ने से अच्छा है इनको जब ब्राउन हो जाए तो तोड़ लीजिए और उनको अच्छे से ड्राई कर लीजिए और कुछ कहीं गमलों में डाल दो, तो वहाँ पे ये जर्मिनेट हो जाते हैं, क्योंकि अब आने वाला सीजन बारिश का है। और देखिए पहले मैंने इसमें एक लगाया था तो वो थोड़ा पीला पीला सा पड़ गया था, फिर वो मेरे को लगा शायद इसमें गमले में प्रॉब्लम है, फिर मैंने दूसरा भी लगाया तो वो भी थोड़ा पीला सा पड़ने लग गया। देखो ये गिलहरी मेरे बैंगन खा गई है, ककड़ी बैंगन जो भी भिंडी वगैरह है मेरे गार्डन में, ये बहुत नुकसान करती है। पर क्या करें, ये भी नेचर के ही साथ हैं, तो नेचर पे तो किसी का नहीं चला है जोर। चलो आते हैं वीडियो पे। तो फिर मैंने क्या किया, इसमें पत्थर चट्टा के दो तीन पत्ते डाल दिए तो इसमें बहुत सारे प्लांट हो गए, तो ये अभी झुंड में अच्छे से चल रहे हैं। अब देखिए इनकी पत्तियां भी हरी 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 सी दिख रही हैं, पहले ये येलो येलो से पड़ गए थे। और इनका यूज हम किचन में भी करते हैं, खाने में भी, जैसे तड़का लगा दिया किसी में या, और दूसरा ये हमारे बालों की अच्छी ग्रोथ करता है, मेहंदी में मिला के लगा लो तो बालों को बहुत अच्छा हमारा शाइनिंग देता है और उनको हेयर फॉल से भी यानी बालों के लिए हर तरीका से अच्छा है ये। तो आप भी इसको ग्रो करें, कटिंग से लगा सकते हो तो कटिंग से लगाएं, और कटिंग नहीं मिलती है तो ऐसे कहीं सीड पॉट मिल जाए तो उनको ला के अपने गमलों में लगा दीजिए। बारिश का मौसम आने वाला है तो उसमें ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। कुछ इसलिए और शेयर किया है मैंने वीडियो के, ताकि आपके पास ये सही टाइम पे जानकारी मिल सके। और दोस्तों आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है, क्योंकि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो और पूरा नहीं देखते हो, चैनल पे नए भी होते हो तो सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, क्योंकि मैं किसी का भी चैनल खाली नहीं छोड़ती और कमेंट भी करती हूँ हर चैनल पर जो मेरे वीडियो देखती हूँ। और जो भी वीडियो देखते हो जो सब्सक्राइब नहीं किया होता है उसे सब्सक्राइब कर लेती हूँ, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं हम। और आप भी चैनल पे जब नए आते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो भी पूरा देखा कीजिए, क्योंकि आप लोगों का ही साथ, कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो एक साथ सब लोग चलते हैं तो अच्छा रहता है। और आप भी ऐसे ही कीजिए, बस छोटी सी जानकारी लेके आई थी छोटी सी वीडियो के साथ। और क्योंकि इस टाइम पे हर जगह जो मैंने हमारे यहाँ आसपास जितने भी मैंने प्लांट देखे हैं सबके ऊपर इस तरीके से ही देखे हैं, और मेरे यहाँ सिंगल में तो नहीं चले थे, सिंगल का मतलब एक दो प्लांट गमले में नहीं चला था ये, तो मैंने इसमें बहुत सारे हो गए हैं। देखिए इसके साथ में ये पत्ता चट्टे के पत्तों से कितने ग्रो हो गए हैं, और गमला भी मैंने खूब बड़ा दे रखा है इसे। और साथ में ये गेंदे के भी प्लांट हैं और दो प्लांट ये भी हैं, छः सात प्लांट और भी हैं ये, तो देखिए ये पत्तों से ही ग्रो हो रहे हैं। देखिए इनको पत्थर चट्टा को कहीं भी डाल दो पत्ते से, ये एक तो क्या है एक ही पौधा इतनी साइड ब्रांच देता है बहुत घना हो जाता है, और दूसरे कहीं भी पत्ता गिर जाए ना, अगर ये एक बार आपके गार्डन में आ गया तो ये जा नहीं सकता। और ऐसा ही सेम इसका है कड़ी पत्ते का। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।